नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहां पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री कैलाश रवानी, मम्मी लक्ष्मी देवी, भैया गोरेलाल रवानी, उदय कुमार रवानी, दीपक कुमार रवानी। छोटा छोटा दो भाई है, करण अर्जुन, और दो बहन है छोटी, आरती कुमारी, दुजा कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ पहले छेड़छाड़ करता था, कॉलेज तक पहुंच जाता था कभी। कौन सा कॉलेज? आरएसमल कॉलेज। आरएसमल कॉलेज कहाँ पे है? यहीं पे, पाँच में गोविंदपुर। यहीं पे आरएसमल, यहीं पे सामने। एड्रेस? गोविंदपुर रतनपुर। गोविंदपुर रतनपुरा। हाँ, रतनपुर। धनबाद। हाँ, धनबाद। ये कौन सा गांव है? ये रतनपुर है। रतनपुर है, ये प्रखंड ब्लॉक है उस सामने। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? तो मतलब कि चंदन गिरी है, जो हमेशा छेल छाल करता था। कहाँ के चंदन गिरी? मेरे घर के बगल के ही है, रतनपुर के ही है। गिरी, गिरी है। हाँ, गिरी है। तो हमेशा चार पांच लड़का आता था, चंदन गिल, दामोदर गिल, लोग सब भाई है, उस आता था और मतलब छेल छाल करता था। कभी दुपट्टा टान लेता था, कभी हाथ पकड़ लेता था, इसी तरह करता था। और बोलता था, मेरा बात नहीं मानेगी ना, तेरा भाई लोग को मारेंगे, जान मार देंगे, ये वो पूरा बोलता था। हम लास्ट में मेरा भैया को आके बोले, ऐसा ऐसा करते हैं। तो भैया जाके उनको समझाएं, बोले कि मेरा बहन तो तेरा ही बहन ही हुई ना, ऐसा काहे करता है भाई। तो बोलावे साला, गाली दे के बोलावे साला, जो मेरा बात नहीं मानेगा ना तो जान मार देंगे, जो तुमको तो साला बना के ही छोड़ेंगे, कहाँ समझता है, इस तरह करके बोले। उसके बाद फिर से मेरा भाई को उसी दिन फिर के पॉलिटेक्निक में भैया दुकान करते हैं, तो सामान लेके जा रहे थे, गुपचुप चाट का दुकान करते हैं, तो उनको रास्ता में जाके नेहरू मोड़ के पास छेक के चाकू मार दिए। चाकू कहाँ पे मारे? यहाँ पे मारे थे। क्या नाम है भाई का? उदय कुमार रवानी को मारे वहाँ पे। अच्छा, बड़े भैया ना? हाँ, मंझले भैया हैं उनको। उसके बाद इस सितंबर, इस 27 सितंबर का बात है। 27 सितंबर 2018। हाँ, उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट किया? हाँ, पुलिस कुछ एक्शन नहीं लिए। और फिर वहाँ इंक्वायरी में भी गए थे दो तीन पुलिस, वहाँ का आदमी लोग बोल रहे थे ना कि हाँ, हम मेरे सामने मारा, हम लोग बोले तो ये बच भी गया, तो इसको उसी दिन जान मार देता। फिर भी एक्शन तो नहीं, फिर भी एक्शन नहीं लिया। और पुलिस लोग उन्हीं को बोले कि जो गवाही देगा, तुम लोग जो अपना दुकान बंद करके गवाही देने जाएगा, जो चुप रहो तुम लोग, उन लोग को डांट के हटा दिए। तो वो लोग फिर से हट गया, इतना तक हो गया। उसके बाद फिर इधर मैं भैया को हमेशा बराबर धमकी देता था कि केस उठाओ नहीं तो जान मार देंगे, केस उठाओ नहीं तो जान मार देंगे। कभी गाड़ी सटा देते थे, कभी क्या तो क्या, मतलब। फिर मेरी बहन लोग ट्यूशन जाने लगी, हम तो उन लोग का वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। उसके बाद फिर मेरी बहन लोग जाने लगी ट्यूशन, तो उसके साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। तो हम मम्मी को बोले कि उसके वजह से हम पढ़ाई छोड़ दिए, मेरी बहन लोग का भी पढ़ाई छोड़ा देगी। तो केस किए लास्ट में उसके ऊपर, सतरा में, थाना गोविंदपुर थाना, गोविंदपुर थाना। हाँ, वहाँ का थानेदार का नाम मनोज कुमार है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद फिर इसी तरह धमकी देने लगा। पिछला केस उठाने बोला? हाँ, पिछला केस उठाने बोले, नहीं उठाए। तो मतलब कि दो दिन से प्लानिंग बना के था, मैं भैया आर एस मोड़ में दुकान लगाते हैं, वहाँ पे हॉकी स्टेक लेके खड़ा था मैं, भैया लोग डर से आते नहीं थे। ये कब का बात है? मतलब ये तो 23 तारीख को मारपीट हुआ था। हाँ, अच्छा, 23 सितंबर। नहीं, जून जून 23 जून 2019। हाँ, ये तो इधर वाला बता रहा, जून 2019। उन्नीस, हाँ। तो ये 20 तारीख को भी हॉकी स्टेक लेके खड़ा था मैं, भैया लोग डर से। यहाँ राज पेट्रोल पंप है, बंद पड़ा है, वहीं पे 15-20 लड़का था। हाँ, रतनपुर में यहीं पे तो खड़े थे। तो मेरा भैया लोग डर से नहीं आए, तो फिर से 21 को भी उसी तरह किया, 22 को भी उसी तरह किया। तो 22 को मेरा भैया लोग को बोले कि उसी तरह उधर से ही थाना चले जाइए, हम लोग के दरवाजे के पास। उन लोग का पूरा मतलब कि पूरा आदमी थे, करीबन 30-40 आदमी थे। तो मेरा भैया को फ़ोन करके बोल दिए, तो भैया फिर चले गए थाना, भैया, मेरी मम्मी, सब गए थाना। मम्मी इधर दूसरा रास्ता, इधर पीछे रास्ता है, इधर से गए।
बट थाना वाला कोई सुनवाई नहीं लिया, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं लिया। नहीं, थाना वाला बोला कि जाइए सुबह ही आएंगे, सुबह ताले यहाँ मारपीट पूरा हो गया, सुबह में 7:30 बजे से मारा, रोड में मार के कोई आदमी हमको बोला कि आपका आपका इस लड़कों में से कितने का नाम आप लोग जानते हैं? 12 का नाम जानते हैं? सबका नाम बताइए। सबका नाम है दामोदर गिरी, चंदन गिरी, दीपक गिरी, धर्मेंद्र गिरी, सिकंदर गिरी, पप्पू गिरी, और विद्यानंद गिरी, विपिन गिरी, मिंटू गिरी, और कमलेश गिरी। हाँ, कमलेश गिरी। और उनके पापा लोग का नाम क्या है मम्मी? उनके पापा भी थे बैजनाथ गिरी। बहुत मतलब, और उनका दामाद दामाद बेटी, मतलब वो लोग पूरे थे, पूरे फैमिली, पूरा फैमिली लोग। उनका दामाद का नाम नहीं मालूम हम लोग को, यहीं पे थे। और फिर से ये विपिन गिरी का साला भी थे मारपीट में शामिल, यहीं पे ऑटो चलाते हैं। ये 19 जून का ये घटना है। हाँ, नहीं 23 जून का। 23 जून का। हाँ, 23 जून का घटना के बाद अभी तक आप लोग दहशत में रह रहे हैं। हाँ, अभी भी अटैक कर सकता है, अभी भी धमकी मिल रहा है, अभी भी धमकी मिल रहा है कि अभी तो हाथ पैर तोड़े, मतलब इन लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर से इतना, और घर से पुलिस किनको उठा के ले गए? घर से घर पुलिस आए ही नहीं थे हम लोग को, तो बाहर से किनको ले गए थे? बाहर से मतलब कि मैं लड़का गाड़ी चलाते चला 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 दीपक कुमार रवानी। अच्छा। तो ऑटो चलाने गया तो उसको कोई आदमी फोन करके बोला कि तेरा घर में ऐसा ऐसा कांड हो गया, घर घुस के मारा है, तेरा भाई के रोड में मार दिया है, बस तुम जा, तू यहाँ घर नहीं आकर थाना गया, थाना में बैठे हुए है ताले, हम लोग उठ के दूसरे आदमी हम लोग के ले गया थाना, थाना में बैठे। एक लड़का जो पैर टूटा हुआ है वो तो पड़ा हुआ रोड में, उसको यहाँ का जो पैर टूटा उनका क्या नाम है? गोरेलाल रवानी। हाँ, उसको फिर थाना वाला आके फिर थाना वाला ले गए, उसका सारा परिवार के भर्ती किए थाना वाला। वो लोग उस दिन तो हम लोग के मतलब वो लोग आए भी तो केवल आप लोगों को भर्ती करने के, भर्ती करने, बचाने के लिए, बचाने के लिए। कोई हमको एक गिलास पानी तक देने वाला कोई नहीं था हमको वहाँ। दूसरे तीसरे आदमी बोलते थे थोड़ा पानी दीजिए, पानी दीजिए, चिल्लाते थे। तो दूसरे तीसरे आदमी, फिर एक और लड़की हमारा कलकत्ता में रहती है, वही रात में गाड़ी बैठ के वो आई तो थोड़ा हेल्प हमको मिलने लगा। और वो लड़का जो है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग किस तरह का इंसाफ? बस लुक्की किया और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे वो लोग। तो फिर से हम मेरा मुझसे भी निकल गया कि जहाँ कोई थाना में सुनवाई नहीं लिया जाता ऐसा थाना में तो आग लगा देना चाहिए। तो बस हम बोले कि जो हम लोग के साथ न्याय कभी नहीं हुआ है, ऐसा थाना रह के क्या होगा, किसी के साथ भी न्याय नहीं होता है। तो बस बड़ा बाबू बोले इसको मारो तो मारो और इसको अंदर में बंद करो। हाँ, मेरे पूजा को मारा गया। हाँ, कौन मारा गया? लेडीज, एक लेडीज पुलिस थी, वही मेरे साथ लपड़ थप्पड़ की। और नाम बता सकती हैं? लेडीज का पुलिस का नाम याद नहीं है, हम चेहरा पहचान सकते हैं। मारा गया तो ये आपका कोई जेंट्स पुलिस आप पे हाथ उठाए? नहीं, जेंट्स पुलिस हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन हाँ, लेकिन जेंट्स पुलिस बोल रहे थे कि जो तो कोई नहीं उठाया। नहीं, जेंट्स पुलिस बोले क्या कि जो ज्यादा बोलेगी ना तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, बोलेंगे मैं वर्दी पे हाथ दिया, मेरे साथी किया वो किया, जो वर्दी पे हाथ दिया तो हम तेरे ऊपर केस बना देंगे, डायरी वायरी सब कर दिए, बोले तुमको भी जेल भेजेंगे, देखते हैं तेरा माँ बाप को कौन देखता है। इधर उधर से फोन जाने लगा तभी बच्ची के छोड़ा सामने आ गया ना। सामने रात को 12:30 बजे हमको छोड़े वो लोग, 12:30। हाँ, रात को 12:30 बजे आके एक लेडीज पुलिस एक जेंट्स। और कब गिरफ्तार किया गया था आपको? हमको गिरफ्तार किया गया था 23 तारीख को 4:00 बजे और 12:00 बजे छोड़ दिया। हाँ, 12:30 बजे रात को छोड़े। आम भारतीय मारा था, हॉकी से फूल गया था इसमें, हॉकी से। हॉकी से चंदन गिरी था, दामोदर गिरी था, विपिन गिरी था, दीपक राय था, और बाहर का लड़का था दीपक राय, दामोदर गिरी, दीपक गिरी भी था उसमें, और पिंटू गिरी था। 6 लड़का था हम पर लुझा हुआ था, 6 लड़का 7 लड़का मिलके रोड पर पहले मार के गिरा दिया हमको, तो 15-20 आदमी छुड़ाया। उसके बाद हम घर में फोन करके जैसे ही घर घुसने लगे, घर घुस के फिर मार के मिले। चलिए, हेल्पिंग ह्यूमन मानव अधिकार आपकी मदद करेगी और पूरी सहायता। पैर में मारा गया। ये चोट जो है वो कैसे लगा? पहले घर घुस कर मारपीट किया, उसे जब हम लोग थाना जाने लगे तो रास्ता में घेर कर हमको सब मिलकर मार कर वहाँ पैर तोड़ दिया। चंदन गिरी, दामोदर गिरी, मिंटू गिरी, विपिन गिरी, दीपक गिरी, इस बैजनाथ रहने वाले ये लोग घर का बगल का ही
दीपक राय सब था, विद्यानंद गिरी था, पप्पू गिरी, सिकिन गिरी, बैजनाथ गिरी सब ये लोग। कब मारा था आपको? 23 तारीख रविवार, हाँ 7 बजे सुबह, 7 बजे सुबह 7 बजे। आपका क्या नाम हुआ? गोरेलाल रवानी। गोरेलाल रवानी, हाँ। और कैसा अभी डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट तो दोनों पर बोलो रड लगेगा, तो हमको घबराहट लगा, तो हम बोले नहीं तो कोई आदमी बोले कि जड़ी बूटी का दवाई से मालूम पट्टी देगा तो ठीक हो जाएगा, 2 महीना में। तो हम गए नलहाटी, नलहाटी में दवा करा के आए, हाँ PMCH में भर्ती थे, वहाँ तो 9 दिन का बाद कचिया प्लस्तर किया, 9-10 दिन का बाद बहुत ढिलाई दिया हुआ था, एक्सरे 3-4 बार एक्सरे करवाए हैं, रिपोर्ट देखे, उसके बाद बोले रड लगेगा दोनों पैर में, फिर हम बोले नहीं रड लगाना कोई आदमी बोले, उसके बाद हम लोग जाकर नलहाटी में दवा करा के आए हैं, दोनों पैर एक जगह, एक पैर में दो जगह टूटा हुआ, एक पैर में 3 जगह।